आदमी के पास घर नहीं है उसके पास तिरंगा है घर दे दिया आपने जिन लोगों ने आजादी के बाद बावन वर्ष अपने ऑफिस पे तिरंगा फैलाया नहीं है जिन्होंने अंग्रेजी के साथ गुलामी की और देशवासियों के साथ गद्दारी की ये जो लोग मना रहे हैं आजादी का महोत्सव के नाम पर ये उनका दोगलापना है ये हिपोक्रेसी है और ये जो हर घर तिरंगा करके आ रहे है ये सब बकवासा न्याय खरीदा जा रहा है के खिलाफ कोई भी बोला तो वो देशद्रोही है जश्न महापर्व के नाम से पूरे मुल्क में तिरंगा लहराने की बात हुकूमत की जानिब से की जा रही लेकिन है लेकिन कई सारी हैं देखते देखते पचहत्तर साल तो गुजर गए लेकिन कई सारे सवालात लेकर यह पचहत्तरवीं वर्षगांठ हमारे सामने आ रही है लिहाजा आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं नागेश साती साहब उन्होंने बहुत सारे सियासी उतार चढ़ाव देखे हैं वो खुद भी माजी महापौर रहे हैं खुद ओखला हैं वकील हैं सर सबसे पहले आपका चैनल पर खैर मकदम इस्तबाल सर मौजूदा जो हालात हैं सर जिस कदर पचहत्तरवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है तो इस पस मंज़र में मौजूदा हालात दोगला रवैया इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो वो संविधान को मानते भी नहीं हैं दूसरी तरफ संविधान की दुआई देते हुए तिरंगे की दुआई देते हैं और सभी जानते हैं कि आरएसएस एस के कार्य उनके कार्यालय पर बावन साल से तिरंगा नहीं लहराएगा तो ऐसे में एक तरफ तो संविधान की बात की जाए और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र का एजेंडा आगे कर दिया जाए ऐसे में मुल्क किस दिशा में जा रहा है किसी भी देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना ठीक है लेकिन हमारे देश में आज़ादी का जो जश्न मनाया जा रहा है वो सही मायने में है क्या ये मेरा सवाल है जिन लोगों ने आज़ादी को विरोध किया जिन लोगों ने आज़ादी के बाद बावन वर्ष अपने ऑफिस पे तिरंगा फैलाया नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ ग़ुलामी की और देशवासियों के साथ गद्दारी की ये लोग झूठ बोल के आज सत्ता पे आए हैं सत्ता पे आने के बाद जिन्होंने जो वादे किए थे देशवासियों के साथ उसमें का एक भी वादा उन्होंने अमल में नहीं लाया है और अभी ये जो लोग मना रहे हैं आज़ादी का महोत्सव के नाम पर ये उनका दोगलापन है ये हिपोक्रेसी है ढोंग है क्यों कर्नाटक के एक मिनिस्टर छः महीने के पहले ईश्वरप्पा उनका नाम उन्होंने कहा हम तिरंगा मानते नहीं जल्द ही हम तिरंगे की जगह भगवा फहराएंगे राष्ट्र ध्वज करके इन लोगों से तिरंगा पे प्यार क्यों आया चौदह अगस्त उन्नीस स्वतंत्रता के पूर्व संधि में ऑर्गेनाइजर जो इनका माउथ पीस है आरएसएस का उसमें एक लेख है उस वक्त के जो आरएसएस के प्रमुख थे उन्होंने कहा है ये कांग्रेस के लोग इनके कहाँ से भी ये स्वतंत्रता मिली है और हमारे हाथ में तिरंगा देने की जो कोशिश कर रहे हैं ठीक है तुम तिरंगा दे तो हम उसको अनमान हम हमारे दिल से सम्मान नहीं देंगे क्यों बोले तो इसमें तीन रंग है और ये तीन रंग अशुभ है ऐसा बना बताने वाले लोग आज हर घर तिरंगा पूछते हैं मैं पूछता हूँ कि हर घर तिरंगा देने के लिए एकाधा आदमी के पास घर नहीं है उसके पास तिरंगा है घर दे दिया आपने ये क्या चल रहा है और एक बार आप संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं जो ऑटोनॉमी संस्था है ईडी है या इलेक्शन कमीशन है उसको आप कमकोट कर जाए उनको आप अशक्त बना रहे हैं और संविधान को आप मानते नहीं वो सही मायने में ये लोग संविधान ही मानते नहीं उनको मनुस्मृति चाहिए ये लोग मनुवादी है और ये जो हर घर तिरंगा करके आ रहे हैं ये सब बकवास है तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये संविधान को नहीं मानते तो ये लोग देश विरोधी हैं देशद्रोही की तरह हैं देश विरोधी देशद्रोही मैं नहीं कह सकता हूँ लेकिन उनका जो रवैया है वो बता सकता है तो ये लोग क्या है सर ये चुनाव हर बार जीत जाते हैं अगर जीता हुआ जीती हुई हुकूमत भी गिराते हैं खरीद फरोख्त करते हैं अब तो ईवीएम भी कौन सा भी दब बटन दबाओ आप कमल की पर्ची निकलती है ऐसे में फिर कैसे संविधान बाकी रहेगा इसके लिए आगे की उम्मीद क्या संविधान क्या है परसों हमारे जस्टिस गुप्ता करके आए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने बताया कि देश में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है और न्याय खरीदा जा रहा है अगर न्याय उनके पक्ष में नहीं है तो जजों को धमकी भी दी जा रही है ऐसे माहौल में संविधान जिंदा है को, को किस मुंह से हम बोल सकते कि संविधान भी जिंदा है करके इनके खिलाफ कोई भी बोला तो वो देशद्रोही है अभी उत्तर साथ प्रदेश साथ में इनके खिलाफ कुछ प्रदर्शन हुआ अरे आप बुलडोजर लगाते गरीब लोगों के घर जमीन दस्त करते कुछ कायदा है क्या नहीं हाँ। और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे भी नहीं दिया जी कैसा भरोसा रखने का पत्रकारों को भी तकलीफ दी जा रही है पत्रकारों को तकलीफ दी जा रही है दलितों को तकलीफ दी जा रही है मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है और जो लोग सिर्फ इनके अंधभक्त है इनका जो सुनते हैं उनके लिए वो संविधान मानते हैं सर ऐसे ऐसे वक्त में कैसे देश को बचाया जाए क्या कर सकते है? देश को बचाना है तो आर के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ देश में पूरे विरोधी पक्ष एक होना चाहिए लेकिन बदनसीब से नहीं होता है सर ईडी सरकारी एजेंसीज लगा रहे हैं जेलों में डाल रहे हैं कैसे कोई आगे बढ़कर आएगा सर क्यों कम्युनिस्ट लोग हम डरते नहीं ईडी को हाँ। क्यों नहीं लगा रहे ईडी कम्युनिस्ट लोगों को है केरल में हमारा राजा है त्रिपुरा में था और बंगाल में भी था कुछ तुम अड़तीस साल नेशनल हेराल्ड का उन्नीस हाँ। में स्थापन हुआ जी जी। उसको अभी आप इी लगा के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आप सता रहे हैं फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को क्यों नहीं लगाते हम सिंसियर हैं तो सिंसेयर लोग क्या रहने का सवाल नहीं है कितने लोगों को ईडी लगाएंगे ये लोग और क्या है बदनसीब से ये विरोधी गुट में अभी बीएसपी हो हमारे ओ ओ सी साहब हो ये सब लोग एक होना चाहिए अगर हम एक नहीं हुए तो बीएसपी का नाम लिया सर मायावती तो वो बीजेपी को ही सपोर्ट करने नहीं, नहीं, की कोशिश करती है पर मायावती ने तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी को हेल्प की ओपनली तो क्या ये डरे हुए हैं क्या है इसके पीछे डरे हुए ये लोग हैं ये जब तुमको सत्ता मिली ऑनेस्टली काम अगर करते तो कुंडनी का सवाल नहीं था ना अभी केसीआर तेलंगाना में क्यों नहीं डरता वो लेकिन माहौल तो डर का बनाया जा रहा है ना सर तिस्ता जो है खींच के जेल में डाल दिया गया संजीव भट्ट को जेल में डाला दिया तो बहुत बुरा है लेकिन उसमें भी जो हमारे जैसे लोग हैं हम नहीं डरेंगे उनको क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा सरकार भी बदल नहीं सकते ना सर आप बहुत कम है तो कैसे नहीं सकते तो ईवीएम मशीन बंद करो पहले ये जो सब हो रहा है देखो एक बात पूछता हूँ देश में जो प्रमुख चैनल है अंबानी के ग्यारह चैनल्स है अडानी के सत्ताईस है और ये पूरे नेशनल चैनल्स है और छोटे मोटे चैनल्स भी पूरे खरीदी लिए है कौन सा भी चैनल लगाओ बीजेपी के बारे में कितना प्रचार करते एजेंडा लेके जाते और अभी कहाँ भी कुछ उनके खिलाफ हुआ तो दिखाती भी नहीं फिर कैसा और ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है हाँ। इनके बाप जादे भी अगर आए तो ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनता सर खुले आम खुले मंचों से जो धर्म संसद हाँ। जो रखी जा रही है नरसंहार करने की धमकी दी जाती है तो ये क्या है कि खुले आम इन पर कोई गिरफ्त नहीं है अगर लेकिन सोशल मीडिया पर आप एक पोस्ट भी डालते हैं तो आप पर जो है सुमोटो केस बना के जो डाल सकते हैं ये मेरा इंटरव्यू देखने के बाद तुम ऐसा इंटरव्यू क्यों के केस बना सकते हैं बनाने दो डरते क्यों हम लेकिन एक ना एक दिन श्रीलंका में हमने देखा है अभी क्या हुआ है हाँ लोग रस्ते पे आए हैं एक दिन यहाँ पे पूरे लोग इकट्ठा होंगे और वो दूर, दूर, दूर दिन बहुत दूर नहीं आए देखो आप जी तो ये श्रीलंका जैसे हालात भारत में भी रोनमा होने वाले हैं ऐसा आप कहना चाहते हाँ जरूर होंगे अगर तुम अच्छा सही दिशा में नहीं जा रहे तो जरूर होगी कितना झूठ बोलेंगे आप आप सत्ता से सवाल पूछेंगे तो देश विरोधी माना देश जाता है तो इसके लिए क्या था? अच्छा नहीं है सही बात नहीं है सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तो क्या विरोधी पक्ष को सवाल करेंगे हम सत्ता से ही सवाल करेंगे पत्रकारिता, ना पत्रकारिता चाटुकारिता में बदल चुकी, चुकी है अगर उनके उनके हक में बात करते हैं तो चैनल जिंदा रहता है।, है उनके हक में बात करते हैं तो वह पार्टी का गठबंधन पांच साल तक चलता है नहीं तो पार्टी को गिराया जाता है यही हिटलर के जमाने में ऐसा होता था वही चाल चल रहे हिटलर के ज़माने में ऐसा ही था सर ये पचहत्तर साल के मौके पर आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहिए हम नौजवानों को ऐसा बताएंगे कि आप आज़ादी का इतिहास पढ़ो आज़ादी में जो उन लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग थे मेरा एक है साम्यवादी तो अभी अठारह इश्यूज में हमने मुसलमान समाजों से जो लोग इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी किए हैं उनका एक एक पेज का ये रिटर्न कर रहा हूँ तो नौजवानों ने पढ़ना चाहिए आज़ादी का इतिहास और ये आज़ादी के इतिहास में ये लोग कहाँ थे वो भी सोचना चाहिए और सोच के क्या अच्छा क्या बुरा सोचने की ये क्या बोलते हम उनको ताकत तो आनी चाहिए ना और अगर एक दिन ये अच्छा पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि आज़ादी में कैसा मुस्लिम और हिंदू कंधे से कंधा लगा के लड़ेंगे अभी आपने शुरुआत में ही कहा कि जो है आज़ादी की जंग मुसलमान भी लड़े हिंदू भी लड़े तमाम मजहब मजाब के लोगों ने इस जंग आज़ादी में अपना खून बहाया कुर्बानी पेश की और जो है मनुवादी मनुस्मृति वा, मानने वालों ने कभी भी इसमें नहीं किए और वो मुखबिरी करते रहे अंग्रेजों की इसके बावजूद भी आज की तारीख में मुसलमानों के साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं क्या बात ये गलत बात है छोड़ो भारत ये घोषणा किसकी थी युपली मेहर मेहर युपअली की घोषणा थी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान किसने लिखा है कभी इकबाल ने लिखा है और सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में ये किसने लिखा है यही एक मुसलमान कवि ने लिखा है ऐसे सात जो है और सबसे अहम बात यह है जो तिरंगा है वो पहला तिरंगा सुरैया तब्ब जी नाम की एक मुस्लिम औरत ने सिलाई है ये कैसा भूलते हम ये लोगों को पता नहीं है नौजवानों को पता नहीं ये सब नौजवानों को पता होना चाहिए आ, हमारे नागेश साती साहब ने बड़े ही बेबाकी के साथ सर आप देश विरोधी भी कहा जा सकता है आपने जिस तरह से बातें की है लेकिन वो बेखौफ होकर वो अपने ख़्यालत का उन्होंने इजहार किया लिहाजा हम इतहाद न्यूज़ पर बेलगाम के नामचिन और नामवर हस्तियों की मुलाकात लेंगे और उनके बेबाक जो ख़्यालत हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जिस तरह से नागेशातेरी साहब एक सामाजिक खिदमत गार हैं वकील भी हैं किसान लीडर हैं कई सारे जो है वो तनज़ीमें और कमेटियाँ भी चलाते रहते हैं ख़वान के हकूक़ के लिए भी लड़ते हैं लिहाजा उन्होंने जिस तरह से आज बात की है वाकई वो काबिल गौर है उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने नौजवानों को एक पैगाम दिया है कि खौफ डर खौफ के साय में जीने से अच्छा है कि एक नए इनकलाब के लिए एक कदम उठाया जाए ताकि एक नई सुबह फिर से आएगी और इस देश को फिर सुजलाम सुफलाम बना सकती है इतिहाद न्यू देखने के लिए शुक्रिया अल्लाह हाफिज़